Our university series has brought to you today to the city of Verona, and we are featuring University of Verona. Established in year 1982, this university provides master's courses for international students. Yes, you heard it right. Bachelor's आपके लिए available नहीं है इस university में. Master's के लिए आप जरूर जा सकते हैं. आप कौन-कौन सी field में आप जा सकते हैं? You can go for engineering and technology. Business and management के लिए आप जा सकते हैं. Medical related courses मिल जाएंगे आपको, and along with humanities के भी कुछ courses available हैं. अब आप programs और specialization की बात करेंगे. ये screenshot बिल्कुल check out करिए, screen पर देखिएगा. And इसके बाद अब मैं rankings की बात करूँ. आई एग्री, इनका बहुत अच्छा नाम तो नहीं है रैंकिंग्स में, बट आप AI, डेटा साइंस ऐसे कोर्सेज देख रहे हैं, देन दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस इन इटली. अब एडमिशन टाइमलाइन की बात करते हैं, तो इनके एडमिशन 1 मार्च से ओपन होने वाले. आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन फैक्ट, तो 1 मार्च से ये ओपन हो जाएंगे. इट विल गो टिल 30th मार्च. ये 30 दिन का आपके पास पीरियड है. आगे इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा सच अभी प्रोवाइड करी नहीं है. वेयर इज इनके कॉल के हिसाब से बोले तो 31 मई से पहले, मैं 31 में नहीं बोल रहा हूँ, उससे पहले या उसके आसपास किसी भी डेट को आपको इनकी रैंकिंग्स मिल जाएगी एडमिशन की. सो इफ़ यू आर सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, ये आपको रैंकिंग्स में पता चल जाएगा. अलॉन्ग विथ इस रैंकिंग में आपके पास 7 दिन है फ्रॉम द डे ऑफ दिस रैंकिंग. वो डे कोई भी हो सकता है 31 मई के पहले. इस दिन से अगले 7 दिन में आपको आपका एडमिशन एक्सेप्ट करना है, वरना ये जो एप्लीकेशन है इसको विड्रॉन कंसिडर कर लेंगे. दैट मीन्स आपके हाथ से ये यूनिवर्सिटी. अब इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आप बैचलर्स में आपके पास 3 साल की डिग्री, आप जा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में. 50% आपके पास बैचलर्स में होने चाहिए. अलोंग विद आईएलटीएस इज ऑप्शनल फॉर दिस यूनिवर्सिटी. मैं बोल रहा हूं करिए, वी एज वी ऑलवेज सजेस्ट यू शुड गिव आईएलटीएस, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है उसमें बहुत फर्क पड़ता है. तो आईएलटीएस दीजिए इवन इफ दिस इज ऑप्शनल फॉर दिस यूनिवर्सिटी. अलॉन्ग विद दिस आपको आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, LOR, SOP, कवर लेटर, देन मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब भी चाहिए. आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए. एंड गैप ईयर्स की बात करूँ, मास्टर्स के लिए आप जा रहे हैं, 8 ईयर्स ऑफ गैप इज एक्सेप्टेबल. अब लिस्ट ऑफ कैंपस की बात करें इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपके पास वेरोना है मेनली, जो भी होता है इनका मेन कैंपस में ही होता है. तो ऐसे ज़्यादा डिफरेंट कैंपसेस नहीं है इनके. वेरेज स्कॉलरशिप की बात करें तो ESU वेरोना लगती है, जिसमें अगेन आपको 6,70,000 इतना इंडियन रुपीज में अमाउंट मिलता है फॉर 1 ईयर. सो यस, दिस वॉज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो. इस यूनिवर्सिटी को कवर किया है, आपकी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे, यूनिवर्सिटी सीरीज सबसे पहले चेकआउट करिए. नहीं मिलता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू. फॉर नाउ यस, दिस मच ओनली. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल.